बच्चों, ये आपके ये सामने जो रखा है इसे हम कहते हैं कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्यों कहते हैं? इसमें बहुत सारे ब्लैक और व्हाइट कीज होते हैं, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं कीबोर्ड। तो ये जो भी चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये कीज है। कीज का मतलब है ये नोट है, ओके। तो बहुत सारे जो कीज की वजह से हम कह रहे हैं कीबोर्ड, है ना। और ये अलाइंड है एक एक अपने, जैसे एक पैटर्न में एक अलाइंड है, ओके। आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, तो यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे, आप यहाँ तक कि ये स्ट्रक्चर वाइज ये ही आपका इस प्लेस पे भी है, स्ट्रक्चर वाइज इस प्लेस पे भी है, स्ट्रक्चर वाइज इस प्लेस पे भी है, और स्ट्रक्चर वाइज इस प्लेस पे भी है। ये सेम पोर्शन यहाँ भी है, ये सेम पोर्शन यहाँ भी है। तो बहुत सारे जब कीज अलाइंड होते हैं एक पैटर्न में, इसे कहते हैं हम की बोर्ड, ओके। तो बच्चों, आपने ऐसा नहीं कहना है कि हम कैशियो के हम क्लासेस हम कर रहे हैं, तो आपने कहना है हम कीबोर्ड के क्लासेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो कैशियो होती है वो एक सिर्फ ब्रांड की एक नेम है, बहुत सारे मतलब ब्रांड्स आते हैं, है ना। तो वो आपका, वो कैशियो का क्लास नहीं है, वो आपका कीबोर्ड का क्लासेस है, ओके। तो बच्चों, फिर पियानो क्या होता है? तो बच्चों, आप स्क्रीन पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, इस चीज़ को हम पियानो बोलते हैं। पियानो को एकॉस्टिक पियानो भी आप बोलते हैं, या फिर आप ग्रैंड पियानो भी आप बोलते हैं ना। तो पियानो में भी जो कीज़ होते हैं और जो कीबोर्ड में जो कीज़ होते हैं वो सेम ही होते हैं, सिर्फ उनका जो वेट होता है उसमें आपका फ़र्क होता है, ओके। तो जो पियानो की प्लेइंग और कीबोर्ड की प्लेइंग बिल्कुल ही आपकी वो सेम होती है, ओके। इसमें बोथ हैंड यूज़ करते हैं। एक थर्ड टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, आप स्क्रीन पे आप ऑब्जर्व कीजिए, इसे हम कहते हैं हारमोनियम, ओके। तो हारमोनियम जो कीज़ हैं वो भी आपके वो सेम ही आपके होते हैं, जस्ट क्या होता है, जो हारमोनियम में जो कीज़ होते हैं वो थोड़े आपके छोटे होते हैं, है ना। इसके ऊपर जो डिटेल्ड एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए एक बना दूंगा, कीबोर्ड के ऊपर, पियानो के ऊपर और हारमोनियम के ऊपर।